सो गाइज अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, आपका है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका ये 4u² + 8u जो है इसके आपको क्या निकालना है, जीरोस फाइंड करना है और साथ में आपको जीरोस तो फाइंड करना ही करना और उसके साथ में इनका आपका जो रिलेशन वेरीफाई कराना है जीरोस और किसके बीच का, कोएफिशिएंट के बीच का। सो गाइस यहाँ पर जनरली बच्चे सोचते हैं कि हम क्या करें, तो बिल्कुल सिंपल है कि हमें यहाँ पर दोनों में से कॉमन लेना है। तो यहाँ से 4u कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका u और यहाँ पर 2 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स कि 4u इक्वल्स टू 0 और u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0/4। दैट मीन्स u की वैल्यू आ गई एक 0 और यहाँ पर u इक्वल्स टू हो जाएगा आपका प्लस 2 है तो ये -2। सो यर इज द आंसर, सिंपल है कि आपका एक u की वैल्यू 0 हो गई और एक u की वैल्यू -2 हो गई। दैट मीन्स ये है गाइज आपका कि अल्फा की जो वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू आपकी 0 हो गई और बीटा की वैल्यू जो है वो आपकी -2 हो गई है। सो यर इज गाइज तो आपका ये तो होगा जीरोस। अब आपको निकालना है रिलेशन बिटवीन दी कोएफिशिएंट। तो आपको कोएफिशिएंट निकालने के लिए सबसे पहले आपके स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है पॉलीनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। दैट मीन्स ये है कि जो स्क्वायर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोएफिशिएंट बी होता है, जो कांस्टेंट टर्म होती है वो सी होती है। तो यहाँ पर हम जब इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आएगी गाइज, ए की वैल्यू आपका 4 होगा और जो आपका बी का वैल्यू है वो आपका 8 होगा और सी की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी। बट हमको यहाँ पर ये जरूरी नहीं है सब करना, क्योंकि हमारा जो क्या होता है, हमारा जो वेरिफिकेशन है तो सम ऑफ जीरोज मतलब क्या होता है आपका, ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चूंकि यहाँ पर एक्स नहीं है तो यू स्क्वायर है, तो यू स्क्वायर लिखेंगे और सॉरी यहाँ पर लिखेंगे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ यू, ये मैंने यू स्क्वायर गलत लिख दिया, कोएफिशिएंट ऑफ यू लिखेंगे गाइस और कोएफिशिएंट ऑफ यू और यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर होगा गाइस। तो सम ऑफ जीरोज क्या दिए हैं आपको, 0 और -2 आया, तो सम मतलब ऐड करना 0 प्लस और यहाँ पर -2। सो हियर इज द माइनस यू, यू की वैल्यू कितनी है, कोएफिशिएंट ऑफ यू, कोएफिशिएंट ऑफ यू हम आराम से देख सकते हैं यहाँ पर कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ यू आपका 8 है और कोएफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर आपका 4 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 8/4। सो हियर इज गाइस 0 - 2, सो इज -2 और यहाँ पर क्या होगा, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, तो दिस इज -2। सो देख सकते हैं कि आपका ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो आपने एक तो वेरीफाई कर दिया है। अब सेकंड क्या है आपका, सेकंड आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब जीरोस का प्रोडक्ट निकालना तो ये क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में वही आपका कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो कॉन्स्टेंट प्रोडक्ट मतलब 0 × -2 और कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, अब यहाँ पर गाइस कॉन्स्टेंट टर्म है ही नहीं है। सो यहाँ पर मेन चीज क्या है इस क्वेश्चन में, कि यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म गायब है, तो जो नहीं होता वो आपका क्या होगा, 0 होगा और आपका जो कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर वो कितना आपका 4 है, तो ये आपका 4 हो जाएगा, तो 0 = 0। तो हियर इज ऑल्सो वेरीफाइड, सो ये आपका क्वेश्चन वेरीफाई होगा, इसका रिलेशन वेरीफाई हो गया।